जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हमारी दुनिया में सब कुछ साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। कुछ स्पष्ट है तो कुछ छिपा हुआ है, रहस्य है इसका मतलब कुछ छिपा हुआ है, प्रकट नहीं है। आदमी जो सामने है उसे जानने का प्रयत्न करता रहा है, किंतु उसे भी जानने का प्रयत्न करता रहा है जो स्पष्ट नहीं है, जो परोक्ष है, जो छिपा हुआ है, छिपे हुए को खोजना चाहता है। शरीर हमारे सामने है, स्पष्ट है, किंतु शरीर की क्रिया साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वह रहस्य है। शरीर कैसे काम करता है नहीं जानता। आज भी भोजन करता है, जानता है मैं खा रहा हूं, और दो चार घंटा बाद कहता भी है कि पच गया, जो खाया वह पच गया, उसका पाचन हो गया। खाया वह सामने है, पाचन हो गया, उसका अनुभव हो रहा है कि अब पेट में हल्कापन है या कुछ भूख लग रही है, इसका मतलब पहले खाया हुआ पच गया। किंतु कैसे पचा वह साफ नहीं है, वह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि कैसे जो खाया हुआ था वह अन्न नलिका में गया, फिर आगे बढ़ा, कैसे पाचक रस का स्राव, लीवर का स्राव मिला, कैसे पाचन हुआ और कैसे सब पाचन तंत्र के अवयवों ने काम किया, यह साफ नहीं है। मनुष्य ने उसे खोजा है और स्पष्ट किया है। शरीर की हर क्रिया दो पहलू है हमारे सामने। श्वास लेते हैं यह तो हमें पता है, श्वास ले रहे हैं रहस्य नहीं है, किंतु श्वास क्या काम करता है वह स्पष्ट नहीं है, वह एक रहस्य बना हुआ है। आज के शरीर शास्त्रियों ने इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, रहस्य को खोजा और इसे स्पष्ट किया है, किंतु एक वस्तु के असीम पर्याय, अनंत पर्याय होते हैं। कुछ पर्याय स्पष्ट हो गए पर सारे पर्याय स्पष्ट कहाँ है। श्वास के बारे में आज भी बहुत सारी बातें ज्ञातव्य हैं। श्वास के साथ ऑक्सीजन जाता है ये तो स्पष्ट हो गया, अब यह रहस्य नहीं रहा। किंतु श्वास के साथ प्राण जाता है आज भी रहस्य है। कोरा श्वास नहीं जाता, प्राण भी जाता है। श्वास तो स्पष्ट है, प्राण आज भी रहस्य बना हुआ है। श्वास अलग है, प्राण अलग है। जो 25 बोल को जानता है वह स्वयं समझ सकता है कि एक है श्वास और एक है श्वास प्राण। 10 प्राणों में एक प्राण है श्वास। श्वास प्राण अलग है, श्वास अलग है।
जीवन के इतने रहस्य हैं, आदमी खोजता चला जाए तो जीवन भर भी सारे रहस्य सामने नहीं आएंगे। इसका कारण हमारी जो चेतना है वह इंद्रिय की चेतना है। हम इंद्रिय चेतना के आधार पर काम करते हैं और इंद्रिय चेतना की अपनी सीमा है। आँख देखती है, उसकी सीमा है, एक सीमा तक वह देखती है। हर वस्तु को आँख नहीं देख सकती, उस वस्तु को देखती है कि जो उसके रेंज में हो, अथवा कितनी आवृत्तियाँ हो उसमें, रूप में आकार की जो फ्रीक्वेंसी उसको भी मानना पड़ता है। कान सुनता है पर हर शब्द को नहीं सुनता। दुनिया में इतने शब्द हैं, केवल हम स्थूल शब्द को पकड़ पाते हैं। तो इंद्रियां जिसको जानती है उसे भी समग्रता से नहीं जान पाती। रूप को जानती है पर समग्रता से नहीं जान पाती। एक त्राटक करने वाला व्यक्ति है, जब किसी चित्र को सामने रखकर त्राटक शुरू करता है, जब प्रारंभ करता है त्राटक अनिमेष प्रेक्षा, उस समय चित्र का एक आकार, रंग और रूप सामने होता है। 5 मिनट बीते, आकार बदलना शुरू हो जाएगा, रंग रूप भी बदलना शुरू हो जाएगा। और आगे चलो, कुछ समय के बाद आकार भी गायब, आकार का पता ही नहीं। कितने रंग बदल जाते हैं, जिसने अनुभव किया वह जानता है, शायद दूसरा कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे हर क्षण में वह बदलता चला जाता है। तो हमारी इंद्रिय चेतना की एक सीमा है, हम सब को नहीं जान सकते। कुछ को जान लेते हैं वे हमारे सामने स्पष्ट हैं, और जिनको नहीं जानते हैं वे हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं, रहस्य बन जाते हैं। एक परंपरा चली है, संतों की परंपरा हिंदुस्तान में, जिसे रहस्यवादी कहा जाता है। कबीर ने कुछ ऐसा लिखा जो आज भी रहस्य बना हुआ है, यद्यपि कुछ विद्वानों ने व्याख्या करने का प्रयत्न किया है, किंतु वह कितना प्रामाणिक हुआ है मैं नहीं कह सकता। इसका कारण, कबीर ने लिखा तो रहस्य की भाषा में लिखा, और इसलिए लिखा कि वे स्वयं प्रयोग कर रहे थे, भीतर के रहस्यों को जान चुके थे, जान रहे थे, इसलिए उन्होंने उस भाषा में लिख दिया। किंतु आज जो काम करने वाले विद्वान हैं, पंडित लोग हैं, वे शब्दों के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं, किंतु स्वयं साधक नहीं है कि उस रहस्य को जानकर लिख सकें। ये हमारी एक समस्या रहती है। बहुत लोग महावीर के बारे में लिखते हैं, बुद्ध के बारे में लिखते हैं, कृष्ण के बारे में लिखते हैं, और बड़े बड़े आचार्यों साधकों के बारे में लिखते हैं, और लेखकों में भी अनेक मत हो जाते हैं, सबका मत समान नहीं रहता। इसका कारण है कि महावीर बनकर महावीर के बारे में नहीं लिखा जाता, किंतु महावीर होकर महावीर के बारे में लिखा जाता है। बुद्ध बनकर बुद्ध के बारे में नहीं लिखा जाता, किंतु अबुद्ध रहकर बुद्ध के बारे में लिखा जाता है। अब जिस व्यक्ति ने अनुभव किया और लिखा बताया, उसके लिए तो वह बात साक्षात है, प्रत्यक्ष है, और हमारे लिए वह बात परोक्ष हो गई, क्योंकि हम
उस अनुभव की दहलीज पर पैर भी नहीं रख पाए हैं और उस बात की व्याख्या करना चाहते हैं। यही तो एक समस्या है, इसीलिए इतने मत मतांतर हो गए। अगर सब स्पष्ट दृष्टा होते, प्रत्यक्ष दर्शी होते, तो फिर मतांतर के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहता। मतभेद इसीलिए हुआ है कि कहने वाला प्रत्यक्ष दर्शी था और व्याख्या करने वाला परोक्ष दर्शी है। ये दूरी बनी हुई है। एक बहुत सुंदर है शतपथ ब्राह्मण का कि देवो भूत्वा देवं यजेते। देवता की पूजा करो तो देव होकर करो। देव बनकर पूजा करो। आचार्य तुलसी ने अनुव्रत गीत में इसी आशय में लिखा कि प्रभु बनकर ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। हम प्रभु होकर ही प्रभु की पूजा कर सकते हैं। अप्रभु होकर प्रभु की पूजा नहीं की जा सकती। हम वहां तक पहुंचे नहीं पाते हैं। स्वयं दिव्यता को प्रकट करो और फिर देव की पूजा करो तो उसका तुम्हें लाभ मिलेगा। स्वयं अदिव्य रहकर और दिव्य की पूजा करो तो उसका पूरा लाभ तुम्हें कैसे मिलेगा। यह बहुत बड़ी समस्या है हमारी, दूरी। दूरी, हम ध्यान करते हैं, एक ध्येय बनाते हैं और एक ध्याता ध्यान करने वाला होता है। एक है ध्येय, एक है ध्याता, और बीच में ध्यान की प्रक्रिया चलती है। दूरी है, इसीलिए तो ध्यान सिद्ध नहीं होता कि जब तक दूरी बनी रहती है। एक है ध्येय और एक है ध्यान करने वाला ध्याता। यह ध्याता और ध्येय के बीच में दूरी है और बीच में ध्यान चलता है। जब तक ये दूरी रहती है तब तक ध्यान पूरा नहीं होता। मन भी चंचल हो जाता है, विचार भी आते रहते हैं, विकल्प आते रहते हैं, और कभी कभी आदमी इतना खो जाता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि कहाँ चला गया। किंतु अगर ध्यान की साधना करते करते आगे बढ़ता है और एक दिन वह भूमिका आती है कि ध्याता और ध्येय दोनों एक मेक हो जाते हैं। दूध में चीनी डाली और चीनी दूध के रूप में बदल गई, फिर अलग अस्तित्व पता नहीं लगता, दिखता नहीं आंखों से, मिठास से ही अनुभव हो सकता है। वैसे ही ध्याता और ध्येय दोनों एक बन जाए तो फिर दूरी न रहे। ध्यान करने वाला स्वयं ध्येय बन जाए और दोनों एक हो जाए तब वास्तव में ध्यान की सिद्धि होती है। नहीं तो बनावटी भूख, बनावटी भूख, बहुत सारे लोग बनावटी भूख से खाते हैं कि बस खाना है, समय हो गया। दिन में 5-10 बार खाते हैं और 5-10 बार चाय पीते हैं, असली भूख का अनुभव ही कैसे होगा। वहाँ तो बनावटी भूख, भूख तैयार करके ही भूख खाना होता है और होगा ही कैसे। असली भूख तो उसको लगती है जो खाने का संयम करता है और कम खाता है, उसको असली भूख लगती है। या असली भूख उसको लगती है जो श्रम करता है, उसको असली भूख लगती है। जो आराम से गद्दे पर बैठा रहता है उसे असली भूख का अनुभव ही नहीं होता। आचार्य तुलसी ने एक किसी उद्योगपति से कहा कि आप तो बहुत कम खाते हैं। बोले महाराज, एक लूखा फाफड़ा खाता हूँ, बहुत कम, कि मुझे भूख ही नहीं लगती, क्योंकि सारा ध्यान तो दूसरे में लगा हुआ, फोन में लगा हुआ, फोन की घंटी बजती रहती है, ध्यान उधर लगता है, तो फिर न तो खाया जाता, न पचता, न भूख लगती। शायद इसीलिए एक संस्कृत कवि ने कहा था
कि संपन्न सुस्वादु भोजनम दरिद्राय भुंजते, कि स्वादिष्ट भोजन कौन करता है? तो किसी ने कहा कि जिसके पास धन है वह स्वादिष्ट भोजन करता है, कि नहीं गलत बात है। जिसके पास धन है वह स्वादिष्ट भोजन कर ही नहीं सकता, उसे भोजन का अनुभव ही नहीं होता। भोजन करते समय भी पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, कभी बाजार में, कभी फैक्ट्री में, कभी शहरों में, कभी किसी में, ध्यान तो वहाँ रहता है, उसके स्वाद का पता ही नहीं लगता। और बड़े लोगों की तो ऐसी कहानियाँ चलती है कि भोजन कर लेते हैं और घंटा दो घंटा बाद मुनीम से पूछते हैं, मुनीम जी मैंने आज खाया या नहीं खाया, तो बोला स्वादिष्ट भोजन की बात कहाँ है। दरिद्रा एव भुंजते, स्वादिष्ट भोजन कौन करते हैं? कि जिनको असली भूख लगती है, गरीब आदमी है, दरिद्र आदमी है और खाने को थोड़ा मिलता है, वह स्वादिष्ट भोजन करता है। और इसीलिए शायद ये कहावत चली होगी कि भूख मीठी के लापसी, लपसी मीठी या भूख, भूख मीठी है, भूख मीठी है तो रूखी सूखी रोटी भी बहुत मीठी लगती है, और भूख नहीं है तो लपसी भी कड़वी लगने लग जाती है। तो हम भूख पैदा करें, रहस्य को जानने की भूख, मन में एक तड़प हो, एक भूख हो, एक प्यास हो कि छिपी हुई वस्तुओं को जानना है। जो सामने है बहुत थोड़ा जगत है, बहुत छोटा जगत जो हमारे सामने है, बड़ा जगत तो छिपा हुआ है। हम बहुत थोड़े में संतुष्ट न बने। एक पुस्तक पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा, उसका टाइटल भी बड़ा अच्छा लगा कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एवरी प्रॉब्लम, आध्यात्मिक समाधान हर समस्या का। बात तो बड़ी अटपटी लगती है कि आध्यात्मिक समाधान हर बात का कैसे होगा, किंतु कोई गहरे में उतरेगा और रहस्यों को खोजता चला जाएगा तो उसे पता चलेगा कि लेखक ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पुस्तक का, बड़ा अच्छा नामकरण किया है। तो आखिर समाधान है तो अध्यात्म में ही है, पदार्थ जगत में पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान पदार्थ जगत में नहीं हो सकता, उनका समाधान तो अध्यात्म जगत में ही मिलेगा। दो भाइयों का झगड़ा है, उसका समाधान कोर्ट में, किंतु अगर एक भाई कहे कि लो मैं छोड़ता हूं, त्याग करता हूं, तुम ले लो सारा, समाधान हो गया, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। पर यह समाधान किससे हुआ? त्याग के द्वारा, जो संयम के द्वारा, कि त्याग और संयम अध्यात्म के तत्व है। एक भाई ने संयम किया, त्याग किया तो समस्या का समाधान हो गया है। कोई त्याग नहीं करते तो फिर या तो न्यायालय या और कुछ होता, वहाँ समाधान खोजा जाता। त्याग और संयम बहुत बड़ा समाधान है, और वह भी मानता हूँ अध्यात्म का प्राथमिक समाधान है। अध्यात्म की बात उससे भी और आगे चली जाती है, जहाँ सारा पदार्थ जगत नीचे रह जाता है। इसलिए हम रहस्य को खोजने का प्रयत्न करें। और बात छोड़ दूँ अभी, बहुत गहरी बातें, केवल जीव और अजीव को रहस्य को खोजने का प्रयत्न करें। भगवान महावीर का वह वचन कितना मूल्यवान है इस संदर्भ में, और संदर्भ के साथ मूल्य बढ़ जाता है कि जो जीवे भी न जानाई अजीवे भी न जानाई, जीवा जीवे अयानंतो, जो जीव को भी नहीं जानता अजीव को भी नहीं जानता वह क्या रहस्य की खोज करेगा, क्या सत्य की खोज करेगा? जब तक जीव और अजीव को नहीं जानता आगे बढ़कर सत्य की खोज और रहस्य की खोज नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को जीव का भी स्पष्ट ज्ञान है और अजीव का भी स्पष्ट ज्ञान है, चेतन अचेतन दोनों के बारे में स्पष्ट जानकारी है, वह शायद
आगे रहस्य की खोज करने का अधिकारी हो सकता है। तो इसलिए निष्कर्ष की भाषा में आप इतना समझने का प्रयत्न करें, और बड़े सूक्ष्म रहस्यों को खोजने की बात तो अभी साधकों पर छोड़ दें, किंतु अगर रहस्य की खोज प्रारंभ करें तो सबसे पहले जीव और अजीव को समझने का प्रयत्न करें। जानू जीव अजीव में, आचार्य तुलसी ने लिखा ना, एक बच्चा भी बोलता है कि जानू जीव अजीव में, मैं जीव और अजीव को जानता हूँ। अब भला जो जीव और अजीव को जानता है तो उसके लिए रहस्य का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, रहस्य की खोज का दरवाजा खुल जाएगा। तो सबसे पहले जीव और अजीव को जानने का प्रयत्न करें। प्रवचन सुनने वाले केवल मनोरंजन की बात पर नहीं, तत्व की बात पर ध्यान दें, केवल रागात्मक बात पर नहीं, वैराग्य की बात पर ध्यान दें, और वे जीव और अजीव को जानने का प्रयत्न करें। अपनी तो परिभाषा थी का सम्यक दृष्टिकोण जो जीव और अजीव को जानता है, मिथ्या दृष्टिकोण जो जीव और अजीव को नहीं जानता, नव तत्वों को नहीं जानता, जीव अजीव में सब समा जाते हैं। इसलिए जीव और अजीव को जानने का प्रयत्न करें। मैं मानता हूँ जो लोग लंबे समय तक या एक दिन के लिए भी प्रवचन सुनने आते हैं, उनके मन में ये भावना जाग जाए कि मुझे जीव के बारे में ज्ञान करना है, अजीव के बारे में ज्ञान करना है। और जब जीव और अजीव दोनों के बारे में आपको ज्ञान करना है, तो फिर यह सत्य की खोज, रहस्य की खोज, रास्ता अपने आप बनेगा, और आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पहुँचना सबके लिए आवश्यक है और कठिन भी है। इसलिए एक मनसा बनाए, भावना करें कि मुझे छिपी हुई बात को खोजना है, और सबसे पहले शरीर को समझना है। प्रेक्षा ध्यान में हम लोग सबसे पहले शरीर का ज्ञान कराते हैं, और शरीर में इतने रहस्य हैं। आज का मेडिकल साइंस इतना विकसित हो गया और आज का शरीर शास्त्र इतने रहस्यों को जानता है, पर मैं तो नहीं सोचता कि पूरे रहस्यों को वह जान पाता है। बड़ा कठिन है, उत्तरोत्तर विकास हो रहा है कोशिका के आधार पर। अब जीन का सिद्धांत और जुड़ गया, गुण सूत्र सारे सिद्धांत आ गए, फिर भी पता नहीं कितने रहस्य छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले शरीर को समझें, फिर जीव को, आत्मा को समझें, आत्मा की क्रियाओं को समझें, और जब समझना शुरू करेंगे तब ऐसा लगेगा कि 50 वर्ष समझने के बाद कोई पूछे कि कितना समझा, तो कहेगा कि ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान और बढ़ गया। और मुझे लगता है कि इतना अज्ञान है कि मैं कैसे उसका ज्ञान कर पाऊँ। ठीक वह भर्तृहरि ने कहा था कि अल्पज्ञ है अपने आप को बहुत मानता है, और जब उसे भान होता है अपनी अल्पज्ञता का, तब कोई पूछे कि कितना जानते हो, कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यदा किंचित ज्ञोहम द्विपय मदांध समभवम, जब मैं थोड़ा जानता था तो मत था कि मैं बहुत जानता हूँ। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशा दवगतम, जब मैंने दूसरों के संगति में थोड़ा थोड़ा जाना तो मुझे ये लगा, तदा मूर्खोस्मी थी ज्वर इव मदो में व्यपगत है, तब तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं जानता। मेरा अहंकार जैसे ज्वर समाप्त होता है वैसे समाप्त हो गया। तो इसलिए हम लोग रहस्य की खोज में कुछ समय लगाएं, और उस भूख या प्यास को पैदा करें, तो शायद हम सच्चाइयों को बहुत जान सकेंगे और जीवन को और अधिक हम संवार सकेंगे, अच्छा बना सकेंगे। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे